ग्राउंड के चुनावी मंथन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे कार्यकारी संपादक सुनील कुमार जी हैं और हमारे सहायक संपादक आकांक्षा पारे काशी जी। अब हम जो चर्चा करेंगे वो खास करके उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और सभी पोलिटिकल पार्टी जो उत्तर प्रदेश में नहीं भी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी नज़र जो है उत्तर प्रदेश पर लगी हुई थी, क्या होंगे अब तो चुनाव परिणाम, लगभग तस्वीर बिल्कुल साफ है। आकांक्षा जी, आप बताइए कि अब भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा, खास करके उसके सामने दिक्कत है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जी, मुख्यमंत्री के लिए बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जिस तरह से मतलब जीत हासिल हुई, जीत तो चौंकाने वाली जीत मिली है, तो क्या मुख्यमंत्री भी कोई चौंकाने वाला चेहरा भी हो सकता है? पहले तो जैसे हम मान के चल रहे थे कि अगर सीट्स कम आती है तो ये बिल्कुल तय था कि कास्ट डायनामिक्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और केशव प्रसाद मौर्य सबसे दौड़ में आगे थे, लेकिन अब चूंकि मतलब ये खुद भाजपा भी समझ रही है, उनको सभी वर्ग का समर्थन मिला है, इसलिए उन्हें ऐसा चेहरा लाना पड़ेगा जो ऑलरेडी सब में एक्सेप्टेंस हो। तो अभी जो लखनऊ के मेयर हैं शर्मा जी, दिनेश शर्मा, उनका नाम ऐसा है कि पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश का वो एक मतलब छवि भी बहुत न्यूट्रल रही है उनके पास, उनकी छवि बड़ी बेदाग रही है, काम का उनके पास बड़ा अच्छा अनुभव है और वो जिसको कहते हैं ना संतुलन बनाने के लिए बहुत अच्छा चेहरा है, तो संभवतः हो सकता है। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि मोदी हमेशा चौंकाने में यकीन रखते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाली जीत मिली है, नाम भी चौंकाने वाला बिल्कुल हो सकता है, चौंकाने वाला नाम। सुमन जी, समाजवादी पार्टी आउटलुक हमारी पत्रिका को ही एक बार उन्होंने बातचीत में कहा था कि हम 2017 में विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है, हो सकता है कि हमको ज्यादा सीखने को मिले और हमने इसको लेटेस्ट अंक में अपने छापा भी है जो बाजार में है हमारा अंक। लेकिन सबसे बड़ा अस्तित्व का संकट बहुजन समाज पार्टी के सामने आ गया है, क्योंकि उसके पास अब इतनी भी सीटें नहीं है कि एक राज्यसभा या एक विधान परिषद के लिए लोगों को जिता सके। उनका क्या भविष्य है, मायावती जी का क्या भविष्य होगा? अभी ये लाइव जाने से पहले मैं उन्हीं का जो है बयान देख रहा था, मायावती जी ने अभी मीडिया से बात की है और उन्होंने अपनी इस हार का ठेकड़ा पूरी तरह से वोटिंग मशीन्स पे फोड़ दिया है। उनका ये कहना है कि भाई जो है तकनीक की बजाय अब जो पुराने तरीका था ये बैलेट पेपर वाला उसी से करना चाहिए, इसकी रिगिंग जो है जिसमें कहते हैं कि छेड़छाड़ और ये कि इसमें जो है उसके चांसेस होते हैं, हालांकि अभी तक इतनी बार ये चांसेस होते तो पंजाब में अकाली बीजेपी भी कुछ लीड कर जाती, कांग्रेस को कैसे मिल गई सीट? बिल्कुल वही चीज जो है कि अगर ऐसा हो सकता होता तो भाजपा जो है वो बिहार नहीं हारती, भाजपा दिल्ली नहीं हारती, उतनी बुरी तरह से नहीं हारती, कम से कम इतनी बुरी तरह से जो है मिली। तो ये चीज कहना कि जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से हार गए, मुझे लग रहा है कि थोड़ी हताशा की बड़ा बयान है उनका। लेकिन मायावती जो है वो परिपक्व राजनेता है, वो अभी हो सकता है कि चूंकि नतीजे तुरंत आए हैं तो अभी उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, क्योंकि अगर हम वोट शेयर की बात करें तो मायावती का वोट शेयर अभी भी 22% है, जो कि पिछली बार के 25 या 26% उनका था, उससे थोड़ा सा ही गिरा है। बिल्कुल इसी तरीके से समाजवादी पार्टी का वोट शेयर जो पिछली बार उन्होंने 29% पर सरकार बना ली थी, उनको भी 22% वोट मिले हैं। हाँ, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन अब चूंकि 2019 सामने लोकसभा में चूंकि 2014 में वो बुरी तरह से हार चुकी है, 1 सीट उत्तर प्रदेश में नहीं मिली, अब विधानसभा का चुनाव 5 साल बाद यानी 2022 में चुनाव है, तब तक उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि अभी उनके पास लोकसभा में कोई सांसद नहीं है, विपक्ष में उत्तर प्रदेश में बैठ नहीं सकती, विधान परिषद में किसी कैंडिडेट को भेज नहीं सकती, राज्यसभा में किसी कैंडिडेट को भेज नहीं सकती, तो अब उनकी सिचुएशंस बड़ी अलग तरीके की हो जाएगी। तो उस पर ये तो मैं कह रहा हूँ कि अगले 5 साल के लिए अब मायावती जी के लिए सिर्फ सड़क की राजनीति ही बची है, उनके लिए सदन की राजनीति करीब करीब खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब तक अगला चुनाव आएगा राज्यसभा में उनके सदस्यों की संख्या खत्म हो चुकी होगी, लोकसभा में उनके पास अभी एक भी ये नहीं है, तो सदन में जो है और विधानसभा में जो उनकी अभी स्थिति है 17 या 18 जीतते दिख रहे हैं, उसमें से कितने विधायक उनके साथ बने रहेंगे आगे, इसमें भी कुछ कहना जो है अभी, क्योंकि जो है विधायक सत्ता के साथ जाने में अगर बहुत बड़ी संख्या न हो, दल बदल का कोई ज्यादा खतरा न हो, तो विधायक आमतौर पर सत्ता के साथ रहने में जो है ये रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो कितने विधायक उनके साथ टिकेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। तो उनके लिए अगले 5 साल कम से कम अब जो है सदन की नहीं बल्कि सड़क की राजनीति, उनको दोबारा से जो है वो उसी स्थिति में पहुंच गई है जब वो उन्होंने शुरुआत की थी राजनीति की और वो मेहनत करके जो है उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी को जो है यहाँ तक पहुंचाया था। आकांक्षा जी, ये बताइए कि अखिलेश यादव जिन्होंने कहा था कि पिता के
हाथ से सत्ता कुर्सी ली पार्टी की, कमान के हम चुनाव हार जाएंगे तो हम वापस कर देंगे, या 3 महीने तक का समय मांगा था। तो अब अखिलेश यादव क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव पहले तो मंथन करेंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहावत है, जैसे जीतने वाले के 100 गुना माफ होते हैं लेकिन हारने वाले की एक मतलब पॉजिटिव चीज भी आप माफ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें मंथन करना होगा, उन्हें सोचना होगा कि अनुभव और मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब आप ज्यादा बेहतर देंगे, क्योंकि आप जो है उस पार्टी के ज्यादा करीब करीब तो नहीं कहें, लेकिन उनके नेताओं, हाँ, उनके नेताओं से मैं लगातार से, तो वही मैंने कहा कि चूंकि उन्होंने आउटलुक से बातचीत में कहा था कि मैं अगर 2017 में हार भी गया तो विपक्ष में बैठूंगा और सीखने का मौका होगा हमको अगले 5 साल तक के लिए। और उनके तमाम जो साथी हैं, युवा साथी जो उनके साथ जुड़े हुए हैं लंबे अरसे से, 2012 के चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका रही उन युवाओं की जिसके बल पर समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। तो अब मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव उसी पैटर्न पर, जहां उनके पास एक विकल्प था कि हम सरकार शायद रिपीट कर लेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर कई राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लगातार सरकारें भारतीय जनता पार्टी की या गुजरात में रिपीट करती रही हैं, तो अखिलेश यादव को ये लगा कि हमारा जो काम बोलता है उसके बल पर उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ रहेगी। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की सियासत जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ जातियां जाति की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हावी, और अखिलेश यादव पर भी आरोप लगा कि उनके सत्ता में रहते हुए यादवों की नियुक्तियों से लेकर के थानेदारों में जो पोस्टिंग हुई उसमें यादवों को महत्व दिया, तो इससे अदर जातियां उनसे नाराज होंगी। तो इसका मंथन करना होगा अखिलेश यादव को, और खास करके परिवार। इस बार भी जैसे मैं उत्तर प्रदेश में जब घूम रहा था तो 2 लोगों को लेकर के बड़ी नाराजगी थी कि एक उनके चचेरे भाई है अनुराग यादव को सरोजनी नगर सीट पर उतारा गया, और उनके छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से। तो यही कहा लोगों ने हमसे, कहा बातचीत में कहा कि जो है परिवार की पॉलिटिक्स को अखिलेश यादव भी आगे बढ़ा रहे हैं, इससे उनको बचना होगा। एक तो यादव की पॉलिटिक्स से बचना होगा, दूसरा परिवार की पॉलिटिक्स। सबसे बड़ी क्या है कि अगर आप परिवार को ही बढ़ाने में लगे हुए हैं तो इस चीज को अखिलेश यादव को समझना होगा। ये मंथन मुझे एक थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि केवल 2 जगह फोकस करने में जो है मात खा गए कि आप जो है अपनी जाति और एक धर्म, नहीं वो जो है वो परिवार जैसे क्या हुआ कि कुनबा बढ़ा। आज भी हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी हमने वो बहुत बड़ी स्टोरी छापी थी राफ के साथ की जो है उसमें हाँ, बड़ा कुनबा हो गया है इस चुनाव में। जब आप ठीक है बहुत अच्छी बात, मैं एक अंदर की कहानी बता रहा हूँ कि जब अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनको किसी साथी ने सलाह दिया कि आप प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाएंगे, क्योंकि उन्हीं के परिवार से किसी सांसद का नाम आगे आ रहा था। तो उनकी सलाह जो उनके साथी हैं अखिलेश जी के करीबी हैं और उनके तमाम सुझावों पर चर्चा करते रहते, उन्होंने कहा कि देखिए यादव नहीं होना चाहिए और परिवार का नहीं होना चाहिए। तो नरेश उत्तम पटेल को बनाया गया। तो ये थोड़ा सा बाहर जब निकले तो इससे फायदा ये जनता थोड़ा मोटिवेट होती है, लेकिन हाँ तब तक देर हो चुकी है कि आपने अनुराग यादव जी जो कि समाज पॉलिटिकल पृष्ठभूमि से नहीं है लेकिन आप परिवार के थे, शुरुआती 2 साल जैसे हम देखे उनका कार्यकाल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, तो गुंडा तत्व पर वो उतना काबू भी नहीं पा पाए। नहीं, वो एक अलग, लेकिन देखिए गुंडा तत्व पर काबू नहीं पाया एक अलग इशू है। मैं ये कह रहा हूँ जनता, लेकिन जनता के अंदर एक जो है छवि तो बन जाती है, छवि एक बन जाती है कि आज ठीक आज अगर हम आपको फिर वोट दे देंगे आप फिर परिवार में जो भी की मतदाता की याददाश्त बहुत छोटी होती है, लेकिन यहाँ लग रहा है कि मतदाता की याददाश्त उतनी छोटी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना भी अखिलेश यादव ने बाद में मतलब अखिलेश यादव युवा है, उनसे युवाओं का एक बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो किसी धर्म का किसी जाति का नहीं है, सारे वो देखता है कि ये बदलाव अगर बदलाव नजर नहीं आएगा तो साथ छोड़ने में उसको थोड़ा सा भी देर नहीं समय, क्योंकि ये जो है एक राजनीति की परिपाटी है। पहले का दौर दूसरा था, अब दौर बदल चुका है, परिवार की पॉलिटिक्स को बहुत कम अब किया जा रहा है। आप देख लीजिए कई राज्यों में जो है जिन लोगों ने परिवार को आगे बढ़ाना चाहा उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है कांग्रेस का आप उदाहरण ही देख लीजिए, परिवार पर दूसरे नेता नहीं पनप पाए। लेकिन ये अक्रॉस पार्टी लाइन जो हम गुंडा तत्व की बात कर रहे हैं, सुबह भी हमने जब 3 लोगों से बात की और कहा कुछ लोग होली के लिए अपने घर निकल रहे हैं, तो यूपी में जिन लोगों को सलाह दी गई कि आप लोग निकल जाइए और मतलब हुड़दंग हो सकता है, तो उनका कहना सीधे स्ट्रेट आ गया, उनका कहना था कि नहीं अगर सपा की सरकार आती तो हुड़दंग होता, भाजपा में हुड़दंग कम से कम नहीं होगा। अब ये तो देखिए कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए अभी चुनाव परिणाम आ रहे हैं, नहीं आकांक्षा मतदाता की बात। देखिए ये थोड़ा सा जो है मैं इससे डिफर करूंगा, क्योंकि जो है जरूरी नहीं था पिछला जो नतीजा आया था 2012 का, उस दिन का अगर हम याद करें तो जिस दिन नतीजे आए थे उसके 2 दिनों तक जो है यूपी में अराजकता की स्थिति थी जी।
मैं मुझे नहीं लगता कि इस बार भी वही स्थिति होती। मुझे थोड़ा जो है, क्योंकि जो है वो 5 साल के वनवास के बाद समाजवादी पार्टी की दोबारा सरकार बनी थी, तो वो खुशी जो है, वो उत्साह जो है, वो 2 दिन तक जो है सड़कों पे दिखा, लेकिन इस बार शायद वैसा नहीं होता। और भाजपा के इसमें जो है मुझे नहीं लगता कि जो है इसमें कोई हुड़दंग या देखिए क्या है जीत का जश्न, तो और मोदी का हुड़दंग तो उसको जो है इससे जोड़ना मुझे लगता है कि थोड़ा गलत होगा। नहीं, जीत का जश्न तो सभी लोग मनाएंगे ही, जो लोग जीते हैं वो लोग तो अपनी खुशियां बांटेंगे ही, अपने उनके समर्थक भी खुश हो रहे होंगे ढोल नगाड़ों के साथ। लगातार हम देख रहे हैं टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं, जो तमाम हमारे पास उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से रिपोर्ट आ रही है, जश्न का माहौल पूरा बना हुआ है। चुनावी मंथन में हम लोग चर्चा लगातार जारी रखेंगे, अभी तक के लिए।